हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप का सिंपल फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग किसी से भी फोटो शूट कराते हो एकदम 20 रुपये में, वो भी आप लोग नॉर्मल फोटो एडिट करके देता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो देख सकते हैं, शेयर कर लेना अपनी रियल पिक को तो स्नैपशीट के अंदर। तो सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करना है, टू इमेज पर, और अब मैंने इसको सबसे पहले फुल्ली बढ़ा देना है, और यहाँ से हाईलाइट को माइनस कर देना है फुल्ली, यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है शेडो को भी कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं करके, और थोड़ा इसको सिचुएशन को बढ़ा देंगे, और कंट्रास्ट को भी कुछ इस टाइप से। यहाँ से इतना करने के बाद आप लोगों को डन कर देना है, और डिटेल्स पे शार्पनिंग को और स्ट्रक्चर को बढ़ा देना है कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं। यहाँ पे डन कर देना है, देख सकते हैं, सिलेक्ट पे क्लिक करके थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ब्राइटनेस को दे देना है। यहाँ से कुछ इस टाइप से मैं ब्राइटनेस को दे दे रहा हूँ, जहाँ पर मतलब ब्लैक हो वहाँ पर आप लोग लाइट बढ़ाना है, वहाँ से आप लोगों का गोरा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि नॉर्मल फोटो एडिट करेंगे एकदम से सिंपल फोटो एडिट, तो कुछ इस टाइप से कर देंगे। यहाँ से थोड़े ब्राइटनेस को और इस नीचे वाले सिचुएशन को थोड़ा माइनस करेंगे, स्ट्रक्चर को माइनस करेंगे, और कुछ इस टाइप से देख सकते हैं हर जगह आप लोगों को कर लेना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग कर लीजिएगा, आपका भी नॉर्मल फ़ोटो एकदम हार्ड बनेगा। जैसे आप लोग DSLR वाला कोई भी एड करके आप लोगों को देता है, जैसे कि नॉर्मल फ़ोटो, कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा, और इतना करेंगे, और इतना करने के बाद यहाँ से भी कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से मैं कर लेता हूँ, इसको भी माइनस कर देंगे, और यहाँ से इतना कर लीजिएगा। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं फ़ोटो हो चुका है। सबसे पहले सिलेक्ट पे एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ से कर लेना है आप लोगों को, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और सिचुएशन को थोड़ा माइनस कर देना है। इसी तरह स्टेप को आप लोगों को बार बार करना है, जहाँ पर भी ब्लैक हो वहाँ पर कर दीजिएगा, और इसको माइनस कर देना है। कुछ इस टाइप से हो चुका है हमारा, देख सकते हैं कैसा था कैसा हो चुका है। इसको शेयर कर लेना है आप लोगों को लाइटरूम के अंदर, एकदम से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम ज़्यादा टाइम भी कम लगेगा, और आप लोगों को एकदम अच्छी सी फ़ोटो आपका एडिट होगा। तो कुछ इस टाइप से एक बार वो करना है, लाइटरूम के अंदर 2 बार में होता है, यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को, और ऑल फोटो क्लिक कर देंगे, और सबसे पहले देख सकते हैं ये वाला पिक है, इसको ले लेना है, और कलर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर मिक्स टूल पर क्लिक करेंगे, सेकेंड वाला देख सकते हैं, सबसे पहले इसको बढ़ाएँगे सिचुएसन को, और इसको माइनस कर देंगे, एलिमेंट्स को प्लस कर देंगे। कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर दीजिएगा, यहाँ से देख सकते हैं अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा जौन सा कलर आप लोगों को रख लेना है। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ शर्ट का, और ग्रीन वाला इसको भी माइनस कर देना है, देख सकते हैं येलो हो चुका है। कुछ इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा इसको भी प्लस कर देते हैं इतना, आप लोग जिस तरह आप लोग अपना अपना मतलब जैसा रखना चाहते हैं वैसा कर लीजिएगा। तो मैं कुछ इस टाइप से कर लेता हूँ, तो आप लोग भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं मतलब कि हर कोई वीडियो में बता रहा है कि ऐसा कर लीजिएगा, उनका फ़ोटो अलग होता है आपका फ़ोटो अलग, तो उन जैसा मत कीजिएगा, मतलब करना वैसे ही है लेकिन अलग स्टाइल से कीजिए जैसा आपका फ़ोटो हो। कुछ स्टाइल से यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कलर ग्रेडिंग कर लेंगे, कुछ स्टाइल से नीचे की साइड करना है, और आपको जोन सा मर्जी है वो कलर रख सकते हैं। कुछ स्टाइल से मतलब थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा आगे की साइड लेना है, और यहाँ से जोन सा कलर रखना चाहें वो कलर रख सकते हैं। दूसरे नंबर वाले पर आप लोग आना है, इसी टाइप से इस कलर को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ स्टेप से मैं कर लेता हूँ ये वाला, कुछ स्टेप से हो चुका है। तीसरे वाले पे आना है, यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, और चौथा वाला वो है, वो इन तीनों को मिलाकर के एक ही बनता है, तो वो वाला आप कुछ करेंगे नहीं। यहाँ से लाइट पे आना है, और कुछ स्टेप से बढ़ाना है, और यहाँ से माइनस करेंगे, और शेडो को भी कुछ स्टेप से प्लस कर देना है, हाईलाइट को थोड़ा माइनस करना है, कंट्रास्ट को प्लस कर देना है। कुछ स्टेप से देख सकते हैं हो चुका है हमारा फ़ोटो, और यहाँ से शेयर कर लेना है, तो शेयर पे क्लिक करना है आप लोगों को, और सबसे पहले एयर ब्रश कर देना है, ये देख सकते हैं, इससे फेस स्मूथ एकदम, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और नॉर्मली आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ पे क्लिक करना है, हैवी पे कुछ इस टाइप से इस पर क्लिक करना है, हैवी पे क्लिक करके जूम करके आप लोगों को देख सकते हैं एकदम, आप लोगों को आराम से चलाना है, देख सकते हैं। इसमें मैं फुल वीडियो भी लाऊँगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए फुल वीडियो आप लोगों को चाहिए, ये ऐप का मतलब कि सब कुछ बताऊँगा कैसे कैसे वर्क होता है, एकदम फेस स्मूथ एकदम कैसा होता है सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग मतलब कि कमेंट कर दीजिएगा कि इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस ऐप के बारे में, और ये ऐप प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम दूंगा मैं एकदम प्रीमियम वर्जन आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैं कर लेता हूँ फेस स्मूथ, देख सकते हैं। आप लोग मतलब कि ऑटोडेस्क पेंसिल वाला चलाने में दिक्कत होता होगा, वहाँ से आप लोग पेंसिल यूज़ करो, ये वाला पेंसिल, ये वाला, फिर आप लोग को कुछ उसमें समझ नहीं आया होगा, और आप लोग चला भी नहीं पाते होंगे कुछ इस टाइप, ये वाला कुछ ऐसा नहीं है, हैवी क्लिक करना है, और आराम से आप लोग एक बार में स्मूथ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ देख सकते हैं आराम से स्मूथ हो जाता है।
तो आप लोगों को ये वाला बहुत ही बढ़िया लगेगा। जो जो एडिटिंग अगर कर लेता है उसके लिए भी, और जो जो नहीं कर पाता है उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं कर पाता है वो भी इससे नॉर्मली कर सकता है। इसमें कुछ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्लिक करना है और यहाँ से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से पिक्सार्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ से कुछ स्टार हेयर को ऊपर करेंगे। सबसे पहले रिटच पे आप लोगों को क्लिक करना है, हेयर कलर पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इरेज कर देना है, मैनुअल पे क्लिक करके रेड कलर सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ से देख सकते हैं कुछ स्टेप से लिप्स कलर कर लेना है। यहाँ से मैं रेड कलर कर लेता हूँ। कुछ स्टेप से सिचुएशन फुल कर देना है, अमाउंट को भी बढ़ा देना है। कुछ स्टेप से मैं कुछ स्टेप से रख लेता हूँ, जितना डार्क रखना चाहें उतना डार्क आप लोग रख सकते हैं, मैं इतना रख लेता हूँ। यहाँ से टूल्स पे और स्ट्रेच पे आप लोगों को क्लिक करके थोड़ी ऊपर की साइड हेयर को कर लेना है। देख सकते हैं मैं अभी आप लोगों को यार यहाँ से ऊपर कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा एकदम नॉर्मली, ज़्यादा कुछ लेकिन नॉर्मल फोटो एडिट करके बता दिया हूँ आप लोगों को, तो यहाँ से कर लीजिएगा, डन कर देना है। देख सकते हैं थोड़ा हो चुका है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे एकदम ऐसी एडिटिंग रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए।